दोस्तों यह है बैंगलोर जो कि कर्नाटका राज्य की राजधानी तथा भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक या कई सारे बहुराष्ट्रीय कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मौजूद है, जिस वजह से इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गूगल, IBM, विप्रो और TCS जैसे IT कंपनीज यहाँ मौजूद है। वही कि आपको पता है कि बेंगलोर को इंडिया का स्टार्टअप हब भी कहा जाता है। युवाओं के बीच बेंगलोर स्टार्टअप के दृष्टिकोण से काफी प्रसिद्ध है। भारत का हर तीसरा स्टार्टअप बेंगलोर से ही ओरिजिनेट होता है। आज बेंगलोर हर मायने में भारत के टॉप 5 शहरों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलोर की 60% आबादी प्रवासियों की है, जो कि यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों से आते हैं। बेंगलोर, जिसे बेंगलुरु के नाम से भी जाना जाता है, ये दक्षिणी कर्नाटका में 741 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है। 2011 में किए गए जनगणना के अनुसार बेंगलोर की कुल आबादी 95 लाख की है। लोगों से भरे मॉल, गगनचुंबी इमारतें, मल्टीनेशनल कंपनीज, IT पार्क्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये शहर जितना डेवलप्ड है, इसके विपरीत ये अपने ट्रैफिक जाम्स की वजह से बदनाम है। यहाँ आपको कई बार घंटों लगे ट्रैफिक जाम से फंसना पड़ सकता है। एरोस्पेस और डिफेंस के फील्ड में बेंगलोर एक उभरता हुआ नाम है। यहाँ कई सारे IT पार्क्स हैं, जिसमें बोम्मन हिल, व्हाइट फील्ड, डोमलोर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, कृष्णराजापुरम और महादेवपुरा आते हैं। बेंगलोर अपने हरे भरे वातावरण के लिए खासा प्रसिद्ध है और साथ साथ यहाँ का सुहाना मौसम आपको काफ़ी पसंद आएगा। बेंगलोर आज दुनिया के सबसे तेजी से उभरते शहरों में से एक है और यहाँ का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, जो कि यहाँ के डेवलपमेंट में काफ़ी अहम योगदान देता है। यहाँ नमा मेट्रो सालों से चलती आ रही है, साथ ही यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का मुख्यालय बेंगलोर में ही स्थित है। यहाँ की लिटरेसी रेट 87% की है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नड़ा भाषा बोला जाता है, साथ ही साथ यहाँ नॉर्थ के लोगों के द्वारा हिंदी भाषा का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यहाँ कुछ मात्रा में तेलुगु, तमिल और मराठी भाषा भी बोला जाता है। यहाँ 79% हिंदू, 14% मुस्लिम और 5.61% क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। बेंगलोर शहर 5.6% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ की एस्टिमेटेड GDP $125 बिलियन की है। यातायात सुविधाओं की बात करें तो ये रेल, सड़क और हवाई तीनों मार्गों से अच्छी तरीके से जुड़ा है। रेल मार्ग की बात करें तो यहाँ का बेंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो कि भारत के तमाम महानगरों से अच्छी तरीके से जुड़ा है। हवाई मार्ग की बात करें तो यहाँ का बेंगलोर एयरपोर्ट भारत समेत विश्व के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट में से एक है, जहाँ से आपको देश समेत दुनिया के तमाम बड़े शहरों के लिए हवाई सुविधा मिल जाएगी। यहाँ के कुछ पर्यटक स्थलों की बात करें तो आप यहाँ के लालबाग बॉटनिकल गार्डन, बेंगलुरु पैलेस, विधानसौधा, क्यूबॉन पार्क, सोमेश्वर स्वामी टेम्पल और MG रोड में घूमने फिरने आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख करके ज़रूर बताइए।